क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है. इसमें बताया गया एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड अ फोटोन हैव द सेम एनर्जी ई इन द रेंज ऑफ अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज. मतलब इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है फोटोन भी मोशन में है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी गई है, दोनों का जो वेवलेंथ है उसका रेशियो बताना है ना. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैटर वेव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. मैटर वेव का वेवलेंथ हम लोग निकालते हैं एच बाई पी, यानी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एम इंटू ई. काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी पार्टिकल का वो होता है पी स्क्वायर बाई टू एम. ऐसे पार्टिकल्स जिनका रेस्ट मास होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसका अपना रेस्ट मास होता है. ये फॉर्मूला जो है फोटोन के लिए अप्लाई नहीं होता. फोटोन का अपना रेस्ट मास नहीं होता. फोटोन के लिए जो लैम्डा होता है वो होता है एच सी डिवाइडेड बाई एनर्जी, है ना. फोटोन के लिए एनर्जी होता है एम सी स्क्वायर, जबकि नॉर्मल जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेस्ट मास होता है उनके लिए हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, जबकि फोटोन के लिए ये लिखते हैं, है ना. तो फोटोन में और जो रेस्ट मास वाले पार्टिकल में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए दोनों के फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं, है ना. इसी फॉर्मूला में से ये आता है. अगर यहाँ पर एम वी को पी रख देंगे, पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, तो उस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, है ना. फोटोन का वेवलेंथ ये है, ये हो गया लैम्डा फोटोन और ये हो गया लैम्डा इलेक्ट्रॉन. तो क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और फोटोन का वेवलेंथ का रेशियो. तो यहाँ से आएगा एच बाई अंडर रूट टू एम इंटू ई और फोटोन का आएगा एच सी बाई ई. तो एच कैंसिल हो गया, ये हो गया वन बाई सी इंटू ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एम ई. इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ई बाई टू एम. ठीक, तो ये जो रेशियो आया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वन बाई सी ई बाई टू एम का रूट का मतलब पावर वन बाई टू. तो ऐसा ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ दिया गया वन बाई सी ई बाई टू एम का पावर वन बाई टू, यानी कि रूट.